Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. Guys, आज हम बात करने वाले एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है रूमा बेलांडा. यह फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी. दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय हेडी सूर्यावन. आईएमडीबी पर इसका रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10 और 82% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है. कहानी के स्टार्टिंग में हम एक चोर को जंगल के रास्ते भागते हुए देख पाते हैं. बहुत देर तक भागने के बाद वो एक बैंडेड घर में जाकर शेल्टर लेता है, मगर घर में घुसते ही एक अनजान शक्ति उसे खींचकर अंधेरे में ले जाता है. हमें सिर्फ उसकी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है. नेक्स्ट सीन में हम राय नाम के एक लेडी से मिलते हैं. प्रोफेशनली वो एक राइटर है, काफी फेमस है. वो अपने दो बेटी रीना और ईजा के साथ रहती है अपने पति डीना से अलग. उनका डिवोर्स तो नहीं हुआ, मगर उनके बीच कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसीलिए वो लोग सेपरेट रहते हैं. एक दिन राय को एक बहुत रिच बिजनेस वूमेन मिसेस हिल्डा से कॉल मिलता है. वो राय से मिलना चाहती थी, इसीलिए वो उसे एक कब्रिस्तान में बुलाती है. पहले तो राय को बहुत अजीब लगता है, कोई ऐसे जगह पर मिलने क्यों बुलाएगा, मगर फिर उसे पता चलता है मिसेस हिल्डा नहीं, उससे मिलना चाहती है मिसेस हिल्डा की माँ एलीन. वो राया से एक ऑटोबायोग्राफी लिखवाना चाहती है और वो अपना मैक्सिमम समय इसी ग्रेवयार्ड में बिताती है अपने लव्ड वन के साथ, क्योंकि उनके लिए फैमिली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. राया पर्सनली उनसे जाकर बात करती है. वो काफी इमोशनल हो चुकी थी, मगर पता नहीं क्यों वो बार बार खुद को कर्स्ड कह रही थी. हिल्डा खुद भी हैरान हो चुकी थी, क्योंकि उसकी माँ एक इंट्रोवर्ट है, ज्यादा किसी से बात तक नहीं करती. उनके पास्ट के बारे में खुद हिल्डा तक कुछ नहीं जानती, तो वो कैसे एक आउटसाइडर के साथ सब कुछ शेयर कर सकती है, गॉड नोस. लेकिन माँ ने कहा है तो उसे अरेंज तो करना ही था. हिल्डा चाहती थी राया जल्द से जल्द इस काम को स्टार्ट करे, लेकिन एक कंडीशन पर. राया को ये असाइनमेंट लेने के लिए एक घर में जाकर रहना होगा. वहां पर अलीन रेगुलरली उसके कॉन्टेक्ट में रहेगी, कंफर्टेबली उससे बात कर पाएगी, उसे जरूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएगी और राया भी शांति से काम कर पाएगी. राय के बच्चों के स्कूल में वेकेशन चल रहा था, तो राया के लिए इस कंडीशन को एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. तो राया झट से इस ऑफर को ग्रैब कर लेती है और पहुंच जाती है हिल्डा के बताए हुए एड्रेस पर. हम देखते हैं ये तो वही घर है जिसे हमने फिल्म के स्टार्टिंग में देखा था, लेकिन अभी ये घर थोड़ा सा रेनोवेटेड लग रहा था. घर के अंदर आते ही राया को कुछ फाइल्स मिलती है जो एलीन के बारे में थी. उसे कॉल मिलता है हिल्डा से, जो कहती है उसकी माँ की तबीयत अचानक से खराब हो जाने के कारण वो नहीं आ पाएगी. उन्होंने सारे की इन्फॉर्मेशन इसी फाइल्स में भेज दी है. राया को उन्हीं पर बेस करके ये बायोग्राफी स्टार्ट करना होगा. जरूरत पड़ने पर उसे और भी सारे डिटेल्स मिल जाएगी. मगर डीना को यह घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था. वो काफी सुपरस्टिशियस है और उसे इस घर के बिल्कुल सामने ही एक बिल्ली की लाश मिली है, जो बहुत ही बड़ा अपशगुन होता है. वो उसी वक्त राया और अपने बच्चों को यहाँ से ले जाना चाहता था, मगर राया राजी नहीं होती और वो इन सब फालतू की चीजों पर बिलीव भी नहीं करती. तो इस बात को लेकर उन दोनों में फिर से झगड़ा हो जाता है और डीना अपसेट होकर निकल जाता है. लेकिन राया के ना मानने से क्या होगा, उसे खुद भी इस घर में आने के बाद से ही कुछ अनयूजुअल फील हो रहा था. ऐसा लग रहा था कि कोई छुपके से उन्हें देख रहा है. इवन किसी ने उनके लगेज के साथ छेड़खानी भी की थी, फिर भी वो डीना से कुछ नहीं कहती. इसके बाद जब वो इस घर को एक्सप्लोर कर रही थी, फिर से उसे लगता है कि कोई उसके आसपास है, जैसे कोई उसके साथ लुका छुपी खेल रहा है. दरवाजा अपने आप खुल रहा था, मगर फिर भी राया खुद को समझाती है कि ये सब उसका भ्रम है. पुराने घर में ऐसी आवाजें होती रहती है, इसमें डरने की क्या बात है. लेकिन रात में अचानक से ही बिजली चली जाती है. राया लाइटर से आग जलाती है और उसी रोशनी में हमें उसके पीछे एक मॉन्स्ट्रस फिगर नजर आता है. बिजली लौटने के बाद उसे अपने सामने एक पुतला मिलता है. राय उस पुतले को अपने कमरे में ले जाकर टेबल पर रख देती है और सो जाती है. मगर उसके सो जाने के बाद ही हमें उस पुतले का सर घूमते हुए नजर आता है. राय सपने में एक लड़की को देखती है जो ईजा की उम्र की है. इवन खुली आंखों से भी उसे अपने घर के बाहर जो एक पानी भरा गड्ढा है उसके पास ही वो लड़की दिख रही थी. उसके हाथ में था वही पुतला. राय उसी वक्त चेक करने बाहर जाती है, मगर उस गड्ढे के पास उसे सिर्फ और सिर्फ वो पुतला मिलता है. वो लड़की कहीं नहीं थी. नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो अकेले घर के बाहर बैठकर चाय पी रहे थे, उसे एक झूला अपने आप ही हिलता हुआ नजर आता है. तभी कोई छोटी सी बच्ची उसके सामने से गुजर जाती है. ये जरूर कल रात वाली वो बच्ची होगी, ये सोचकर राया उसका पीछा करती है और जंगल के अंदर एक कब्र के पास जाके पहुंचती है. वो उस कब्र को चेक कर ही रही थी, ठीक उसी वक्त पीछे से उसे कोई बुलाता है, एक आदमी. इनका नाम है मिस्टर सूर्यावन. वो इस गांव का मुखिया है और मिसेस हिल्डा ने उन्हें कहा है राय का ख्याल रखने के लिए.
राया उनसे पूछती है वो किसकी कब्र है। उसे पता चलता है वो मिस्टर विलियम की कब्र है जिसने इस घर को बनाया था। ब्रेकफास्ट करते वक्त रीना और ईजा अपने माँ को बताते हैं कल रात उन दोनों ने एक म्यूजिक सुना था जो किसी म्यूजिक बॉक्स से आ रहा था, मगर राया उनके बातों पर बिलीव नहीं करती। उसे लग रहा था रीना अपने बहन को डरा रही है, लेकिन उसी दिन रीना को एक साया इस घर के एक अबांडेंड हिस्से की तरफ जाते हुए दिखता है। उसे लगा उसकी बहन होगी तो वो उसका पीछा करते करते स्टोर रूम तक जा पहुँचती है जो इस घर का एक अबांडेंड हिस्सा था। दरवाजा अंदर से लॉक्ड था। जैसे ही रीना अंदर हाथ डालती है कोई उसके हाथ को खींचने लगता है। रीना बहुत ज्यादा डर जाती है, वो बहुत चिल्लाने लगती है। उसकी माँ आकर उसे बचाती है, मगर राया इस बार भी उसके बातों पर बिलीव नहीं करती। और उनके जाने के साथ साथ ही हमें वहाँ पर बहुत सारा पानी नजर आता है जो उसी स्टोर रूम के अंदर से आ रहा था। उस रात जब देर रात तक काम करने के बाद राया सोने जा रही थी तो पियानो अपने आप ही बजने लगता है। पूरे हॉल में मडी फुटप्रिंट्स का दाग था और पियानो के ऊपर वो पुतला था। राया को ऐसा भी फील होता है कि कोई अभी अभी उसके पीछे से भाग कर गया। उसे उस पुतले को देखकर बहुत क्रीपी फीलिंग्स आ रही थी तो वो उस पुतले को ले जाकर ड्रॉयर में रख देती है। उधर ईजा को किसी के हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है। वो जब आंखें खुलती है तो उसे अपने सामने एक छोटी सी लड़की दिखती है। वो तो डर के मारे कंबल के नीचे छुप जाती है, मगर वो लड़की इसके बाद जाती है राया के पास, उसके बालों से खेलने लगती है। सुबह उठने पर राया को अपने बिस्तर पर बहुत सारा कीचड़ मिलता है। उसे लगा कल ईजा आई थी उसके साथ सोने तो जरूर उसने ही बदमाशी की होगी। हॉल में मडी फुटप्रिंट्स भी उसके कमरे के तरफ ही जा रहे थे तो राया उसे डांटने जाती है और दरवाजे के बाहर से ही सुन पाती है ईजा किसी से बात कर रही है, मगर किससे, कमरे में तो कोई नहीं है। उसी दिन राया से मिलने आती है मिसेस हिल्डा, वो बाकी के फाइल्स देने आई थी। राया उनसे पूछती है इस घर में कोई छोटी बच्चे रहती थी क्या। हिल्डा कहती है इस घर के ओनर थे मिस्टर विलियम, उनके गुजर जाने के बाद ये घर कई सालों तक वीरान पड़ा था। कुछ साल पहले अलीन के कहने पर उसने ये घर खरीद ली। इस घर के हिस्ट्री के बारे में अगर उसे पता करना है तो उसे मिस्टर सुरियाना से बात करनी होगी। उसे खुद भी नहीं पता उसके माँ ने क्यों इसी घर को खरीदने की जिद की। राया को लग रहा था अलीन के साथ इस घर का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है और उसे अलीन के बचपन के बारे में भी जानना था, तो वो उसी दिन अलीन के कजिन मिस्टर यांडो के घर जाती है। अनफॉर्चुनेटली वो घर में नहीं थे तो राया उनके असिस्टेंट के पास अपने नंबर छोड़ के आती है। उधर रीना को अपना हेडफोन नहीं मिल रहा था। जब वो ईजा के रूम में चेक करने जाती है उसे फिर से वो लड़की दिखती है जो फिर से उसी अबांडेंड हिस्से की तरफ जा रही थी। वहां एक बाथरूम भी था। रीना जब उसका पीछा करती है तो उसे उसी बाथटब में से एक लड़की निकलती हुई दिखती है जिसका पूरा शरीर कीचड़ से भरा हुआ था, मगर ये ईजा नहीं थी। रीना अपने माँ को बताती है इस घर में कुछ तो अजीब है, उसे डर लगता है यहाँ पर रहने से। लेकिन ईजा को जैसे इस घर में मजा आने लगा था, वो बार बार एक गाना गा रही थी। पूछने पर वो बताती है ये गाना उसके दोस्त ने उसे सिखाई है, मगर कौन है ये दोस्त, ये पुतला। जब राया घर में नहीं थी तो ईजा को जंगल के तरफ जाते हुए देखकर रीना भी उसका पीछा करती है। वो ईजा को डांटती है इस जंगल में अकेले आने के लिए, मगर ईजा कहती है वो तो अपने दोस्त के साथ लुका छुपी खेल रही थी। लौटते वक्त उन्हें विलियम का ग्रेव दिखता है जिसे देखकर ईजा कहती है ये ईविल ग्रैंडपा की कब्र है जो अपने पोती को हमेशा डांटते रहते थे। ये सब उसे कैसे पता, ईजा कहती है उसके दोस्त ने बताई है। कहीं उसकी दोस्त वो लड़की तो नहीं जो हमेशा उसके आसपास मंडराती रहती है। जैसे ही रीना ईजा को लेकर घर के पास आती है उन्हें घर के खिड़की पर वही मॉन्स्ट्रस फिगर नजर आता है। वो दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं, मगर तभी राया आकर उन्हें संभाल लेती है और उनके आने के साथ साथ वो फिगर भी गायब हो जाता है। रात में उसके स्टडी में भी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती है, चीजें अपने आप हिलने लगती है, बुक्स गिर जाती है और इस सबके बीच उसे कॉल मिलता है मिस्टर रियांटो से। वो कहते हैं एलिन का बर्थ हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है। उसके पिता एरोस एक डर्च लड़की से प्यार करते थे एडलिन नाम से। वो लोग शादी करना चाहते थे मगर एडलिन के पिता ऐसा होने नहीं दिया। शादी के बिना ही एडलिन प्रेग्नेंट हो पड़ी, एक बच्चे को जन्म भी दिया मगर एरोस को उसका चेहरा तक दिखने नहीं दिया गया। उसे सिर्फ इतना पता चला डिलीवरी के वक्त ही एडलिन का मौत हो चुकी है। सालों बाद एक नर्स आकर उनकी बेटी को इतने अचानक से ही उनके पास दी गई। उसी बेटी का नाम है एलिन और तब से एलिन इसी फैमिली के पास है। राया को एडलिन के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए थी मगर नेटवर्क प्रॉब्लम के वजह से फोन कट गया। राया को रूम के बाहर फिर से मडी फुटप्रिंट्स दिखती है जो डायरेक्टली घर के सामने वाले गड्ढे की तरफ ही जा रही थी।
जब राय अपने स्टडी में वापस आती है तो पूरा कमरा तहस नहस हो चुका था। दीवार पर लिखा हुआ था लिलीज। नेक्स्ट डे सुबह होते ही राया मिस्टर सूर्याने से मिलने जाती है, जहां उसे इस घर की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। पता चलता है इस घर के मालिक मिस्टर विलियम एक काफी शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी थे। छोटे छोटे बातों पर चिल्लाना आदत थी उनकी। छोटे छोटे गलतियों पर वो बहुत बड़ा सीन क्रिएट किया करते थे। इवन अगर किसी नौकर ने गलती से भी कुछ तोड़ दिया तो उसे मारते भी थे। उसके पत्नी के गुजर जाने के बाद उसकी बेटी ही उनका सब कुछ था, मगर वो भी अपने बच्चे को जन्म देते वक्त चल बसी। डिप्रेशन में मिस्टर विलियम जैसे और ज्यादा पागल बनने लगे। वो वायलेंटली बिहेव करने लगे थे, दारू के नशे में क्या करते थे उन्हें खुद भी नहीं पता। और एक दिन उन्होंने अपने कमरे में सुसाइड कर ली। तब से वो घर हॉन्टेड है, कोई नहीं जाता उस घर के आसपास। सूर्याना को तो समझ ही नहीं आता क्यों हिल्डा ने इस भूतिया घर को खरीद ली, मगर राया को सब कुछ समझ आने लगा था। एलिन ने उसे ये घर खरीदने के लिए कहा क्योंकि ये घर उसकी माँ का है, एडेलिन का, जो उसे जन्म देते वक्त मर गई। एडेलिन ही थी मिस्टर विलियम की बेटी। अभी बस इस लिलीस के बारे में पता करना था। सूर्याना से पता चलता है लिलीस उस समय मिस्टर विलियम के घर में काम करती थी। जब राया उनके पोती से जाकर मिलती है तो वो कहती है लिलीस एक नर्स थी, मतलब जो नर्स एलिन को उसके पिता के पास छोड़ने गई थी वही लिलीस थी। लिलीस के घर में ईजा को पता नहीं कहां से एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है जो उसे लेने की जिद करती है क्योंकि ये उसके दोस्त को पसंद था। वो लेडी कहती है ये म्यूजिक बॉक्स उसके दादी ने, मतलब लिलीस ने उसे दी थी। अभी ईजा को इतना पसंद है तो वो उसे रख सकती है। घर लौटने के बाद जब राया उस रात काम करते करते सो गई थी अपने स्टडी में तो उसे वो लड़की जगा देती है और राया को अपने लैपटॉप पर एलिस लिखा हुआ मिलता है। उधर स्टोर रूम से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। चेक करने पर राया को कुछ बहुत पुरानी लेटर्स मिलती है जो किसी प्रेग्नेंट औरत ने अपने पति या फिर बॉयफ्रेंड को लिखी होगी, मगर उन तक कभी पहुंची ही नहीं। राया को लगता है कि ये लेटर्स जरूर एडेलिन ने एरोस के लिए लिखी होगी। लेकिन वहां पर मिस्टर विलियम के कुछ राइटिंग्स भी थे जो उन्होंने अपने मरे हुए पत्नी को लिखा था। उसमें लिखा हुआ था मिस्टर विलियम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उन लोगों ने वो चीज खराब कर दी जो उनके पत्नी की फेवरेट थी, उनकी पत्नी की निशानी थी। वो खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं मगर उन्हें और सहन नहीं हो रहा, वो उन्हें पनिश जरूर करेंगे। राया समझ नहीं पाती यहाँ पर किन लोगों की बात हो रही है, मगर तभी उसे फिर से एक बार वो लड़की दिखती है और राया को पता चलता है ईजा के पास ये जो डॉल है इस पर लिखा हुआ है एलिस, मतलब ईजा के दोस्त का नाम है एलिस। उसे वो म्यूजिक बॉक्स में से एक फोटो भी मिलती है। तो सब कुछ मिलाकर चिट्ठी में मेंशन किए गए पॉइंट्स को जोड़कर फाइनली राया इस नतीजे पर पहुंचती है कि एलिस एलिन की ट्विन सिस्टर थी जिसकी आत्मा उन्हें इतने दिनों से हॉन्ट कर रही है और ईजा इसी आत्मा को अपनी दोस्त मानती है। बचपन में एलिन ने गलती से अपने नानी की फेवरेट शोपीस तोड़ दी, लेकिन दोष एलिस ने अपने ऊपर ले लिया और जिसके लिए मिस्टर विलियम ने उन्हें पनिश भी करना चाहा, मगर इसके बाद क्या हुआ। राया को अपने पास एलिस की आत्मा फिर से नजर आती है जो उसे ग्रेव के तरफ जाने के लिए इशारा कर रही थी। उधर रीना पोजेस होने लगी थी। रीना किसी तरह से उसे संभाल कर उस ग्रेव को खोदने जाती है। उसे एक डायरी मिलती है जो मिस्टर विलियम की थी। उस पर लिखा हुआ था उस शोपीस को तोड़ने के जुर्म में उन्होंने एलिस को पनिश करना चाहा। गुस्से में मिस्टर विलियम को होश नहीं था, उन्होंने बाथटब के पानी में एलिस को डुबोकर रखा। वो सिर्फ उसे डराना चाहते थे मगर गलती से वो गुजर गई। मिस्टर विलियम ऐसा नहीं चाहते थे, वो अपने पोती को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके हाथों से ही उनके पोती का खून हुआ। वो इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाए और सुसाइड कर ली। लेकिन उनके जाने के साथ साथ ये राज भी हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया कि एलिस की लाश कहाँ है। इस राज को छुपाने के लिए मिस्टर विलियम की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए इस घर में कैद हो गई। लेकिन अभी जब उन्हें पता चलता है कि इस राया को धीरे धीरे सब कुछ पता लगने लगा है तो वो उसे मारने की कोशिश करते हैं। राया अपने दोनों बेटी को लेकर मिस्टर सूर्याने के घर में जाकर छुपती है। वहां उस डायरी के बारे में वो सोचने लगती है। वहां पर क्लियरली तो कुछ मेंशन नहीं किया गया कि उस लाश को मिस्टर विलियम ने कहां छुपाया था, सिर्फ कुछ हिंट्स दिए गए थे पानी के नीचे। राया वहीं सोच रही थी तभी ईजा कहती है एलिस कोई इविल स्पिरिट नहीं है, वो उन्हें हार्म करना नहीं चाहती थी। उसकी लाश अभी भी उसी घर में कहीं दफन है और वो अभी भी उसी घर में कैद है, वो तो सिर्फ बाहर निकलना चाहती है, आजाद होना चाहती है। इसी बीच रीना पोसेस्ड होकर फिर से मिस्टर विलियम के घर में जा पहुंचती है। राया ईजा को लेकर उसका पीछा करती है। रास्ते में उसे डीना मिलता है तो सभी मिलकर जा पहुंचते हैं मिस्टर विलियम के घर में और देखते हैं रीना उसी पानी से भरे गड्ढे के पास खड़ी है।
उसे देखते ही रीना को समझ आ जाता है एलिस की लाश इसी गड्ढे में है, पानी के नीचे। इसीलिए तो उसके शरीर पर हमेशा कीचड़ लगा हुआ होता है। वो कुल्हाड़ी से खोदने लगती है, मगर मिस्टर विलियम की आत्मा ऐसा होने नहीं देती, उसे रोकने लगती है। मौत के बाद भी उनका गुस्सा कम नहीं हुआ था, साथ में वो गिल्टी फीलिंग्स में भी भुगत रहे थे, इसीलिए उन्हें मुक्ति नहीं मिली थी। वो राया को चोक करने लग जाते हैं, लेकिन तभी एलिस की आत्मा वहां पर आ जाती है, साथ में एलियन भी। वो दोनों मिलकर अपने ग्रैंडपा को रिक्वेस्ट करते हैं उसे छोड़ने के लिए। उन लोगों ने उन्हें माफ कर दिया, अभी वो जा सकते हैं। मुक्ति मिलने के साथ साथ ही ग्रैंडपा की आत्मा गायब हो जाती है। उधर एलिस की लाश भी पानी में फ्लोट करने लग जाती है, उसे देखते ही एलियन की मौत हो जाती है। इसी दिन के लिए तो वो जिंदा थी, अभी वो चैन की नींद सो सकती है एक ही ग्रेवयार्ड में अपने नानू और बहन के साथ। वो एलिस से बहुत प्यार करती थी, एलिस को उसके वजह से उतनी भयानक मौत मिली, मगर उसे पता नहीं चला कि उसके बाद एलिस का क्या हुआ। दोनों बहन के बीच बहुत ही ज्यादा प्यार था। एलिस हमेशा अपनी फेवरेट चीजें अपने बहन को दे दिया करती थी, कभी वो म्यूजिक बॉक्स तो कभी अपना डॉल, और फाइनली उसने अपनी जान भी इसी बहन के लिए कुर्बान कर दी। लेकिन इसी बहन के साथ फाइनली क्या हुआ वो एलिन को पता नहीं चल पाया। उस रात ही उनकी नर्स लिलीस ने उसे उसके पिता के पास छोड़कर चली गई। बाद में उसे पता चला उसके ग्रैंडपा ने सुसाइड कर ली, तब से वो भी गिल्टी फीलिंग से जूझ रही है। किसी को बता नहीं पा रही, लेकिन उसे एलिस की लाश ढूंढना ही था, इसीलिए अपने बेटी से कहकर उसने ये घर खरीद ली और राया को इस घर में रहने के लिए कहा असाइनमेंट पूरा करने के बहाने। सभी कहते थे ये घर हॉन्टेड है, तो उन्हें यकीन था राया सच्चाई को जरूर ढूंढ निकालेगी। फाइनली वही हुआ, राया ने ही इस सीक्रेट को रिवील की और एक किताब में एलिन के बायोग्राफी के साथ साथ एलिस की कहानी भी लिखी, एक्चुअली जिसकी मांग एलिन ने की थी। ये राया और उसके फैमिली के लिए एक टेरिबल एक्सपीरियंस था, मगर इस हादसे का एक पॉजिटिव इफेक्ट भी हुआ उन पर। राया को फैमिली की इम्पोर्टेंस पता चल गई, वो डैनी को फिर से एक चांस देने के लिए राजी हो गई। अभी दोनों बच्चे खुशी खुशी अपने दोनों पेरेंट्स के साथ रह सकते हैं। थी एंड। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। इस फिल्म का जो टाइटल है रूमा बेलेंडा, एज पर आई कैन गेस इस टाइटल का मतलब होता है डच हाउस, और इस कहानी की मिस्ट्री इसी हाउस पर फोकस्ड है, इसी हॉन्टेड हाउस पर। सो डेफिनेटली टाइटल तो जस्टिफाइड होगी ही। ये एक हॉरर स्टोरी है, साथ में मिस्ट्री भी है, और साथ में है प्लॉट ट्विस्ट। मुझे तो ये कहानी बहुत ही पसंद आई। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।